और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो वसूली खेला है उसका भंडाफोड़ हुआ है इस वक्त, जिन्हें लगाए हुए और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें, और अगर इसमें राज्य सरकार को ये लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के इतिहास में मैंने इतने वर्षों में ये कभी नहीं देखा कि डीजी रैंक का व्यक्ति और जो सर्विंग डीजी है और जो मुंबई के सीपी रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इतने एविडेंस के साथ ये सारी बातें कहते। और इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नज़रअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच ये तुरंत की जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। गृहमंत्री ने कहा है कि परमवीर सिंह खुद को बचाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके तथ्य तो बाहर आएंगे। सवाल ये नहीं है कि परमवीर सिंह खुद को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे, सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने जो चैट उसके साथ लगाई हुई है अगर वो चैट सही है तो फिर इतना बड़ा एविडेंस, इतना बड़ा सबूत जब वो लेकर सीधे पत्र लिखते हैं तो इसके बाद केवल ये कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कहकर नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गंभीर मामला है और इस मामले में उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। फडणवीस को सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे को अब संज्ञान लेना चाहिए और अब गृहमंत्री को उन्हें हटा देना चाहिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी गणेश जुड़ चुके हैं। गणेश, वाकई में राज्य के गृह मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री को इसकी भनक ही नहीं, इतना सब कुछ होता रहा, जनता के पैसे ठगे जा रहे, वसूलने का जिम्मेदारी देते हैं अनिल देशमुख। शोर में ये जो है आईजी जो है परमवीर सिंह ने इन्हें जिस तरीके से आरोप किया है ये बहुत गंभीर आरोप ही समझना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी तक के एनआईए इसका टेस्टिंग कर रही थी, मगर अभी एटीएस से एनआईए के पास सब जो है रिपोर्ट किया गया है, केंद्र सरकार ने जो पत्र दिया है दोपहर के वजह से वो टाइम से ये सब गया। उसके बाद में कल ही शरद पवार ने खुद अनिल देशमुख इनको दिल्ली में बुलाया था और इनके सब जो चीज है इसकी जानकारी ली थी, लेकिन उसके बाद से ही जो चर्चा चालू थी कि अनिल देशमुख इनका राजीनामा लिया जाएगा क्या और कोई गृह मंत्री बदला जाएगा क्या, ये चर्चा था। मगर अभी देखा जा रहा है तो जो परमवीर सिंह जो मुंबई के पहले सीपी थे और उनने अभी जो ये पत्र लिखा है, पत्र के अंदर जो 100 करोड़ की मांग की जाती है ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, उसके वजह से किया है। और उसके बाद में अभी गृह मंत्री जी ने देखिए ट्वीट के माध्यम से अभी तक कहा है कि ये सब आरोप है वो जो गलत आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, क्योंकि वो खुद अभी जो उनकी इंक्वायरी हो सकती है और ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक बड़ा मामला है और उसके वजह से कुछ तो ये खुद को बचाने के वजह से ये ठीक ये हमारे साथ आप बने कह सकता है कि ये यहाँ पे जो है गृह मंत्री इनका निवास रूम है और यहाँ से अभी आरोप प्रत्यारोप झाले होते हैं। आरोप प्रत्यारोप झाल्यानंतर खास करून शिवसेनेच्या गटाकडून अनिल देशमुख यांना हटवा अशी मागणी झाली होती आणि अशा प्रकारची खुशबू चर्चा
माध्यमांमध्ये आणि सगळ्यांमध्ये सुरू होती। जिस तरीके से अभी ये गृहमंत्री का निवास स्थान है और यहाँ पे देखिए तो अभी पुलिस का बंदोबस्त देखिए बड़ा तरुण पे लगाया गया है। अभी देखेंगे कि अनिल देशमुख अभी सामने आके मीडिया के सामने क्या आके बात करते हैं और इसके बाद में जो है उनका गृहमंत्री का राजीनामा लिया जाता है क्या, गृहमंत्री बदला जाता है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगाए, ये बहुत गंभीर आरोप है। 100 करोड़ रुपए की जो डिमांड की गई थी, ऐसा ठेठ जो पत्र के द्वारा ये मांग की गई है और इसके बाद में अभी नेम के क्या होता है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से मुंबई की सीपी थे और उनके इतना सारा गंभीर आरोप करना, वसूली करना, ये मुंबई की एक लाजवाबी बात कहना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से गणेश आप बने हमारे साथ, क्योंकि आज महाराष्ट्र में जो रात है वो किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं होने वाली है। क्योंकि किस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, खबरें सामने आई है, ये हमने आपको दिखाया। और बड़ी खबर भी जान लीजिए, परमवीर सिंह का नार्को टेस्ट हो ये मनोज कोटक ने कहा है, बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है। सचिन बाजे का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, मनोज कोटक ने कहा। आइए आपको पहले सुनवाते हैं। पहले एपीआई कक्षा का अधिकारी, उसके बाद कमिश्नर और अब सीधा गृह मंत्री। ये हफ्ता उगाही और वसूली करने वाले खंडनी बाजों की सरकार है। उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने पत्र लिखा है, परमवीर सिंह ने, और 100 करोड़ रुपए की उगाही बिजनेसमैन से हर महीना करवाने की जो बात लिखी है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के सामने अब सच आ रहा है। सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए कि इसमें सच कौन है, और उद्धव जी आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे साथ इस बीच पीके जैन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजी मुंबई पुलिस के, और इसके अलावा राजीव पांडे भी हमारे साथ है, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। पीके जैन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले में, क्योंकि गृहमंत्री की तरफ से आदेश दिया जा रहा है और ये वाजे और परमवीर सिंह ने चिट्ठी भी लिख दी है अब मुख्यमंत्री को, सर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर के आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि नार्कोटेक्स की भी मांग हो रही है, और ये क्या मुमकिन कि सरकार में सब कुछ चल रहा था और ये उनको खबर भी नहीं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट उसकी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं लिया जा सकता। ये कोर्ट का डिसाइडेड फैसला है, इसलिए अगर नार्को टेस्ट की मांग की भी जा रही है तो वो हवा में है, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति एग्री नहीं करते तब तक उनका नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात होगी, जहां तक आरोपों का सवाल है, देखिए पूर्व पुलिस कमिश्नर ने बहुत गंभीर आरोप किए हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये मामला जो है वो सचिन बजे के लेवल के अधिकारी का नहीं है। ये मामला जो है इसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, सरकार में बैठे हुए लोग इन्वॉल्व हैं। आज वो चीज प्रूव हो गई। इतना गंभीर आरोप होने के बाद मुझे लगता है कि इस बात की निष्पक्ष, इसमें सबसे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से गुना दाखिल किया जाना चाहिए। ऑफेंस दाखिल होने के बाद में इसकी जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के अंडर होनी चाहिए, जिसमें ये इसमें जो पूर्ण तथ्य है वो सामने आ सके। पीके जैन जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्योंकि आप मुंबई पुलिस में पूर्व डीजी रहे हैं, तो आप और मैं खुद पुणे बोर्ड से पढ़ी हूं, तो मुझे पता है मुंबई पुलिस की एक छवि क्या है, उनका एक नाम है, लेकिन इसमें परमवीर सिंह जैसे अगर रहेंगे तो वाकई में क्या इसकी बदनामी नहीं होगी? जो छवि मुंबई पुलिस की अब तक की रही है वो वाकई में अब दागदार हो जाएगी? देखिए, क्वेश्चन एक पर्टिकुलर, मैंने ये भी कहा था पिछले 2-3 दिन से, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन, वो किसी भी पार्टी का हो, वो पुलिस को स्वतंत्र तरीके से काम करने नहीं देता। सबका कोई ना कोई उसमें स्वार्थ निहित रहता है। लेकिन ये इस बार का जो किस्सा है वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि मुझे लगता है कि जिसने भी ये किया उसने इंग्लिश में बोलते एक एक सवाल सर, उसके बाद राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। पीके जैन जी आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप यहाँ पर अनिल देशमुख ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है, लेकिन सर ऐसे केसेस में जब किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप सवाल उठाते हैं तो वो वाकई क्या बेबुनियाद होते हैं? ऐसे ऑफिसर की तरफ से अगर सवाल किए जाते हैं क्या, ये इस बात को जरा समझाइए। परमवीर सिंह ने जितने भी आरोप किए हैं उसके अंदर उसने तारीख के साथ और जो जो अधिकारी उस समय हाजिर थे उन सब के साथ में उन्होंने आरोप किए हैं कि ये अधिकारी उस समय हाजिर थे, इसलिए आरोप बेबुनियाद नहीं है। आरोप की अब सिर्फ सत्यता की जांच करनी बाकी है। उन्होंने कौन कौन व्यक्ति हाजिर थे उनके बारे में बताया, किस समय किया गया उस समय बताया, तो ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल उनकी पूरी चिट्ठी में ये सारी चीजें बकायदा बताई गई है, दिखाया गया है कि किस तारीख को क्या कुछ हुआ था, कब मीटिंग हुई, क्या कुछ कहा गया था, जो परमवीर सिंह की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उद्धव ठाकरे को। जी, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको
कि उसमें बहुत सारे वेरीफाइबल चीजें हैं, उन चीजों की जांच इमीडिएटली होनी चाहिए। और इन द मीन टाइम मुझे लगता है कि जैसे परमवीर सिंह को वहां से जांच को प्रभावित ना कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए। राजीव पांडे जी भी हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। राजीव जी, इतना बड़ा खेल महाराष्ट्र में चल रहा है वसूली का, और वाकई क्या उद्धव ठाकरे को, वहां के मुख्यमंत्री को भनक नहीं है कि उनके मंत्रिमंडल में चल क्या रहा है, मंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए, आज जो परमवीर सिंह ने जो लेटर लिखा है उसका लीगल इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है। बिल्कुल साहब सही कह रहे थे, क्योंकि एक होता है बाल डेलीगेशन कि मैंने कुछ कह दिया और जब मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ उसमें मैं डेट और टाइम नोट कर रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल यह हुआ, इतनी तारीख को यह हुआ। अब मुझे बताइए कि क्या एक सेकेंड भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री को अपने पद पे बने रहने का अधिकार है? अगर वो पद पर है तो इन्वेस्टिगेशन इंपार्शियल पूरी पूरी डिटेल्स, वो चिट्ठी इस वक्त मेरे पास है सर, वो मैं देख पा रही हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ, परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाया जो आप कह रहे हैं ना, पूरी डिटेल्स टाइमिंग के साथ कि कब किससे मुलाकात हुई, क्या कहा गया था पाटिल की तरफ से और कितने बजे मिलने के लिए आए, एक एक शब्द का उल्लेख उन्होंने किया, वो पूरी चिट्ठी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ। मेरा कहना है कि ये तीनों लोगों की एक कड़ी बन चुकी है, सचिन बाजे, परमवीर सिंह, देशमुख। अगर परमवीर सिंह को यह पता था और अगर उसने इस बात को जब जाहिर नहीं किया तो परमवीर सिंह भी इस एक्सटॉर्शन रैकेट का एक हिस्सेदार है। परमवीर सिंह को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उसको उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। राजीव पांडे जी, आप बात कर रहे हैं सस्पेंशन की, लेकिन अनिल देशमुख जी तो ट्वीट कर रहे हैं, वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं बैठकर। देखिए, रिजाइन तो उनको करना पड़ेगा, जो परिस्थिति है आप एक बार देश में कानून से चलता है, संविधान से चलता है, अब उनके खिलाफ वो भी सचिन वाजे लिखित में परमवीर सिंह ने दिया है, चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, ये क्या अनिल देशमुख को इस बात की भनक है समझ? अब इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि बेबुनियाद आधारहीन तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। अरे पूरी चिट्ठी में टाइमिंग तक उन्होंने मेंशन किया, क्या बातें पूछी गई, क्या कहा गया, लिखित में दिया है परमवीर सिंह ने, चिट्ठी दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को। तीन दिन से जिस तरीके से महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हलचल हो रही थी, राजनीतिक हलचल हो रही थी, देशमुख जी दिल्ली भाग रहे थे, ये पर जर्नलिस्ट से मीटिंग हो रही है, उस नेता से मीटिंग हो रही है, ये सब ऐसे थोड़ी हो रहा था। राजीव जी, ये इतना छोटा खेल नहीं है सर जितना दर्शाया जा रहा है, या फिर चाहे अनिल देशमुख हो चाहे परमवीर हो, जितना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं, और ये वहां की अब जनता जानना चाहती है कि आखिर उसके साथ जो खेला हो रहा था उसका जवाब कौन देगा। मैं लौटूंगी सर आपके पास। हितेन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेन, बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, सचिन वाजे सब कुछ खुद को मास्टरमाइंड बता रहा था, अब ये साफ हो गया कि सचिन वाजे कई लोगों के चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहा था जो एक एक करके अब सामने आ रहे हैं। परमवीर पर कार्रवाई होना, शिवसेना का ये कहना है कि उनकी कार्रवाई या उनका ट्रांसफर उनको अपराधी साबित नहीं करता, परमवीर का चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख का पर्दाफाश करना, ये बताता है कि तार बहुत गहरे हैं। देखिए, एनआईए ने कल जो बयान दिया था कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो ये चिट्ठी जो है वो साबित करता नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन वाजे सब कुछ जानता है लेकिन वो अब तक अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा है, वो ये चिट्ठी से साबित होता नजर आ रहा है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है, सबसे अंत में आप देखेंगे तो परमवीर सिंह ने साफ साफ लिखा है कि अगर सचिन वाजे के फोन लोकेशन से लेके फोन की अगर जांच होती है तो खुलकर पूरा सच जो है वो सामने आ जाएगा। देखिए, कल जब एनआईए सचिन वाजे को लेकर मुंबई की सड़कों पर, मुंबई से थाने से मुंबई घूम रही थी, उस दौरान यही महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख दिल्ली में 4 घंटे तक शरद पवार के आवास पर बैठे हुए थे, 4 घंटे तक मुलाकात हो रही थी। उस वक्त कहा यह जा रहा था कि शरद पवार का आशीर्वाद उन्हें मिल गया और उनकी खुशी जो है वो बच गई, लेकिन परमवीर सिंह की चिट्ठी ने अब ये पूरा का पूरा सच जो है वो खोल दिया। महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई आईपीएस ऑफिसर सर्विंग डीजी सचिन वाजे को बुलाया गया, क्या कुछ कहा गया। एक चीज में यहाँ एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक चीज में बता दूं अपने दर्शकों को कि देखिए, उन्होंने कहा कि मंथली कलेक्शन जो है वो 40-50 करोड़ तो आराम से अचीव इससे हो जाएंगे बाहर से, और जिस रेस्टोरों का जिक्र हो रहा था उसके अलावा उन्होंने कहा कि बाकी चीजें जो है वो कलेक्शन कुड बी मेड फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि सिर्फ एक जगह से नहीं, हर जगह से वसूली, पूरे महाराष्ट्र में वसूली का खेल बड़ा चलाना है, रैकेट चलाना है वसूली का महाराष्ट्र में। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे।